फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर फॉर यू। नवरात्रों का टाइम आ गया है, माता रानी को प्रसन्न करने का टाइम आ गया है। तो माता रानी को कुछ ऐसे खास फूल पसंद है, पौधे पसंद हैं, जिन्हें अगर आप इन दिनों नवरात्रों के टाइम में लगाते हैं तो वो ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो उन्हें ज़्यादा खुश करने के लिए 9 ऐसे पौधे मैं बताऊंगी जिससे आप लगा करके अपने घर में इन दिनों में ही लगा सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर आता है बेलपत्र। बेलपत्र का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बेलपत्र ही एक ऐसा पौधा है जिसे अगर आप इस पौधे के पास जा कर के माता रानी को फॉर्मल इनविटेशन देते हैं उनके आने का। जो लोग माता रानी के भक्त हैं वो इस बात को जानते हैं कि बेलपत्र के पौधे के पास जा कर के ही माता रानी को आने का आमंत्रण किया जाता है। इसलिए हमें जब भी नवरात्र का टाइम आने से पहले ही बेलपत्र के पौधे को ज़रूर अपने घर में या गमलों में या जमीन में कहीं भी ज़रूर से लगा लेना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आता है वो पौधा जो माता रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय है और वो है गुड़हल। गुड़हल का पौधा जिसे हिबिस्कस भी कहते हैं वो माता रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय है और ख़ास करके रेड कलर का लाल रंग की गुड़हल माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और अगर आप चाहें तो इसमें सफ़ेद भी लगा सकते हैं गुड़हल का पौधा, क्योंकि वो भी माता रानी को चढ़ाया जाता है, लेकिन लाल वाला सबसे ज़्यादा प्रिय होता है इन्हें। और वैसे तो गुड़हल का बहुत सारा कलर आता है, लेकिन हमें जो है ख़ास करके लाल और सफ़ेद गुड़हल को ही अपने गमले में लगाना चाहिए। मैं नवरात्रों के हिसाब से बता रही हूँ, माता रानी को पसंद करने के हिसाब से बता रही हूँ। वैसे आप कोई भी कलर अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन इन्हें जो है लाल रंग और सफ़ेद रंग ही ज़्यादा पसंद आता है। और तीसरे नंबर पे आता है अपराजिता, जो कि माता रानी का, माँ दुर्गा का ही दूसरा नाम है जिसे अपराजिता कहते हैं। तो ये पौधा भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए। इसके फूलों को हमें दुर्गा माँ को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, ये इन्हें बहुत पसंद है। ये भी अपराजिता का पौधा भी बहुत कलर में आता है, जैसे सफ़ेद हो गया, पिंक कलर हो गया, पर्पल हो गया, एक पेटल का हो गया, दो पेटल का हो गया, ऐसे कई प्लांट आते हैं। आपको जो पसंद है वो आप कोई भी लगा सकते हैं, आप उसका फूल को माता रानी को चढ़ा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है दूर्वा। दूर्वा ऐसा पौधा है जो कि वैसे तो सारे ही लगभग भगवान जी को चढ़ाया जाता है, पर दुर्गा माँ को भी बहुत प्रिय है। आप इन दिनों लगा करके इन्हें तोड़ करके माता रानी को अच्छे से जब भी पूजा करें तो आप इसे चढ़ा सकते हैं। दुर्वा पौधा लगाने से बहुत शुभ भी होता है, हमें अपने घर में दुर्वा का पौधा ज़रूर रखना चाहिए। ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा होता है और आप अगर अलग से गमले में लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद आता है पान। पान माता रानी को बहुत प्रिय है और कोई भी आप भोग लगाते हैं उसके बाद अगर आप पान का इनको पत्ता चढ़ाते हैं उन्हें, तो वो बहुत ही खुश होती हैं। इसलिए हमें अपने घर में पान का पौधा भी ज़रूर लगाना चाहिए। इसी पान के पत्ते को हमें सेमी शेड प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ धूप में ये नहीं चल पाता है और बहुत कम लाइट में, यानी जहाँ पर बिल्कुल ही धूप ना आता हो वहाँ भी नहीं चल पाता है। इसे सेमी शेड टाइप का माहौल देना चाहिए जिससे ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है और बहुत हेल्दी बना रहता है। इसलिए हमें इन दिनों में ज़रूर से ये पौधे को भी लगाना चाहिए। और उसके बाद आता है हरसिंगार का पौधा। हरसिंगार का पौधा भी बहुत ही प्रिय है इनको, ये विष्णु भगवान का भी प्रिय फूल माना जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से ये पौधा का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए इस पौधे को हमें माता रानी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और इन दिनों में ये इस पौधे के अंदर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होती है और इन जो भी पौधे में जो फूल आता है वो हमें इनको तोड़ करके ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और अब आता है नीम का पौधा। नीम का पौधा आप सुन करके सोचेंगे कि माता रानी को नीम का पौधा कैसे पसंद है। तो माता रानी जो है, ऐसा कहा जाता है कि इन्हें जो है नीम का पौधा के नीचे झूला झूलना बहुत पसंद है। ये थोड़ा अजीब सा बात लग रहा है, लेकिन ये
जो माता रानी के भक्त हैं उन्हें ये बात पता होता है, तो इस उन्हें खुश करने के लिए आप ये पौधा भी लगा सकते हैं। भले ही आप गमले में लगाएं, आप इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट पौधा आता है शमी का पौधा, जो कि इसके फूल को माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है, ये भी उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए हमें इसे ज़रूर लगाना चाहिए अपने घर में। और इसके फूलों को, अगर फूल नहीं भी हैं तो आप इसके पत्तियों को भी आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। ये भी पौधा हमारे लिए बहुत शुभ होता है, माता रानी के लिए बहुत पसंद आता है। इसे आप लगाने के लिए थोड़ा सा धूप जहाँ पर मिलता हो वहीं पर लगाना चाहिए, और तभी इसमें फ्लावरिंग आ पाता है, इसलिए इसे सेड की देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आता है सेवंती का पौधा, या जिसे गुलदावरी कहते हैं, ये भी बहुत कलर में आता है, ये भी माता रानी को पसंद है। जो भी कलर है दिन के अनुसार आप माँ दुर्गा को चढ़ा सकते हैं। चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र, दोनों नवरात्रों के टाइम में जो माता रानी को नौ पौधे और फूल पसंद है, वो बढ़ने का, ग्रोथ होने का अच्छा टाइम होता है। इस वजह से आप इन सब पसंद वाले पौधे उनके लिए ज़रूर लगाएं। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं आपके साथ दूसरे वीडियो में।